गुड मॉर्निंग बच्चा। लास्ट अपना डे किया सी माता गुजरी जी कविता जो कि नंद लाल नूरपुर की लिखी। इस कविता दे बेटा असा रीडिंग कर चुके हैं। अज असी वन मार्क्स क्वेश्चन करने हैं ते कवि बारे भी असी कर लिया है। ठीक है, माता गुजरी जी शायद वाला बुक खोलो बेटा ते नोटबुक। इस कविता दे विच कवि ने छोटे साहबजादिया की शहीदी माता गुजरी जी बारे दस्या किस तरह उन्होंने ठंडे बुरज दे विच 3 दिन तक रखा गया अते अखीर सरहंद दी दीवार दे विच जिंदा चिनवाता गया। इन्हां दे दुख नूं मौत दे विछोड़े नूं माता गुजरी जी ने इस कविता दे विच जिहड़ा कि घोड़ियां गा के प्रगट कीता है कि उन्हां दे दुख नूं उन्हां दे वियोग नूं घोड़ियां गा के प्रगट कीता है। बहुत वधिया कविता है ते इह वी दस्या है कि वह बच्चे देश कौम की खातर हंसते हंसते अपनिया शहीदियां पा गए। वन मार्क्स क्वेश्चन करा के बेटा तुसी आंसर दें कि तुसी कविता तुसी बेटा रीड की हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन, कविता दे कवि ना नाम लिखो। क्वेश्चन लिख लो बेटा बेटा। सबने हैंड रेस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कविता दे 1 मार्क्स क्वेश्चन करा रही है बेटा। एक दो शब्द वाले प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन माता गुजरी जी कविता दे कवि का नाम दसो। क्वेश्चन लिख लो, आंसर सुना के बेटा बाद में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, माता गुजरी जी कौन सन। थर्ड, छोटे साहिबजादिया दे ना दसो। छोटे साहबजादिया दे ना दसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे साहबजादिया नूं किवें शहीद किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, माता गुजरी जी कविता विच हीरिया दी जोड़ी, हीरिया दी जोड़ी किस नूं कहा गया है। हीरिया की जोड़ी किस नूं कहा गया है। इन्ने क्वेश्चन दे आंसर दसो बेटा पहला। हीरिया की जोड़ी किस नूं कहा गया है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन प्रणय। यस प्रणय बेटा। हाँ जी प्रणय बेटा। नंदलाल नूरपुरी। हाँ, नंद लाल नूरपुरी कविता का कवि कौन है। नंद लाल नूरपुरी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, माता गुजरी जी कौन सा। यस बेटा ध्यान। यस बेटा ध्यान। माता गुजरी जी श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर जी दे दी माता सन, ते छोटे साहिबजादे दी दादी जा हाँ दादी जी बेटा, सन। श्री एक सेकंड, श्री गुरु तेग बहादुर जी माता सी कि पत्नी सी। पति सॉरी। गुरु गोबिंद सिंह जी दी बेटा ये माता जी सन, गुरु तेग बहादुर दी पत्नी सन, ते चार साहबजादे की दादी सन। रिपीट कर रही हाँ, चार साहबजादे की दादी, गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी, गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रेज योर हैंड। थर्ड क्वेश्चन अपहरण।
ये जायती बेटा, जायती जायती छोटे साहबजादे ना बेटा, बाबा नाम बाबा जुराब बाबर सिंह हाँ जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। जुराबर सिंह हाँ, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जसलीन, जसलीन बेटा छोटे साहबजादियां नूं पहले ठंडे बुर्ज विच रखा गया ते बाद विच उन्हां नूं नीहां विच चिणवा दिता गया। हाँ, शहर का नाम लिखना है, सरहंद दी दीवार दे विच चिणवा दिता गया, ठीक है, या नीहां दे विच चिणवा दिता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपारण, अपारण बेटा फिफ्थ। मैम एक्चुअली आई नॉट अटेंडेड क्लास डे बिफोर यस्टरडे सो आई एम नॉट क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन। हीरिया दी जोड़ी किसनु कहा गया है? हीरिया, दलजीत, जलजीत बेटा। बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह। हाँ, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नू हीरिया दी जोड़ी कहा गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, सिक्स्थ। इटर ते इट रख के हीरिया दी चमक लुका ली किसने कहा सी? इट उत्ते इट हीरिया दी चमक लुकाउन वाली गल किसने कीती सी? गल किसने कीती सी? सेवन क्वेश्चन, माता गुजरी जी कविता विच माता गुजरी जी कविता विच केहो जे भाव प्रगट कीते गए हन? केहो जे भाव प्रगट कीते गए हन? एट क्वेश्चन, छोटे साहबजादिया दी दादी जी कौन सन? छोटे साहिबजादिया दी दादी जी कौन सन? नेक्स्ट है, माता गुजरी जी किस समय या कदों चंदा दियां घोड़ियां गा रहे सन? घोड़ियां गा रहे सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढिड दा सेक, ढिड दा सेक शब्द तो की भाव है? ढिड दा सेक शब्द तो की भाव है?
छोटे साहबजादिया दे छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे साहबजादिया दे शहीद होने ते कौन उदास सी यस बेटा रेज योर हैंड बेटा सेवंथ क्वेश्चन यस बेटा रेज योर हैंड माता गुजरी जी कविता केहो जे भाव प्रगट किए गए हैं यस दिलजीत बेटा हाँ जी बेटा माता गुजरी जी कविता विच भावुकता अते उदासी दे भाव प्रगट हो रहे हैं उदासी दे यस वेरी गुड केहो जे भाव उदासी दे भाव प्रगट किए गए हैं वेरी गुड केड़े भाव भावुकता ते उदासी वाले ते भावुकता वाले वेरी गुड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जस हाँ जी जसलीन बेटा छोटे साहबजादियां दी दादी माता गुजरी जी सन हाँ और सन माता गुजरी जी वेरी गुड थर्ड क्वेश्चन लक्ष्य जैरत बेटा रिपीट योर सेल्फ लक्ष्य 24 रोल नंबर सॉरी 25 रोल नंबर लक्ष्य 25 दिव्या यस मैम छोटे साहिबजादियां दी दादी छोटे साहिबजादियां दी दादी माता गुजरी सन माता गुजरी जी सन यस नेक्स्ट एक जोत बेटा एक जोत जायती बेटा यस मैम माता गुजरी जी इस समय माता जी चंदा दी कोड़ियां अधी राती गांदे हन हां वेरी गुड कदों गा रहे सर अधी रात समय अधी रात दे समय नेक्स्ट टिड दा सेक तो की भाव है विताज यस मैम ढिड दा सेक तो की भाव है कैन यू रिपीट ना टेन क्वेश्चन ढिड दा सेक शब्द एदा की मीनिंग है तो की भाव है बच्चे अपने माँ बाप दे की होंदे बेटे बच्चे अपने माँ बाप दे की होंदे अच्छा तू मेनू मिताश है दस तेरी मदर तेन प्यार जे तेन कोई दुख तकलीफ हो मां किस तरह महसूस होंगे बुरा लगता दुख लगता है मतलब दुख लगता है ना क्योंकि मां अपने बच्चे नु की करती है बहुत की करती है प्यार और ढिड दा सेक तो की भाव है प्यार हां मां नाल प्यार ठीक है मां नाल प्यार आंदरा दा साथ मां दा प्यार या आंदरा दा साथ मतलब बच्चे नु कोई आंदरा दा साथ रिश्ता कोई तकलीफ हो जाए तो मां नु बहुत दुख हुंदा है नेक्स्ट है छोटे साहबजादियां दे शहीद होने ते कौन दुखी होया सी हां जी दलजीत बेटा छोटे साहबजादियां दे शहीद होने ते माता गुजरी जी उदास सन हाँ कौन उदास होया सी माता गुजरी जी उदास होए सन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नाना नूरपुर दा जन्म किथे होया हां जी अपर्ण बेटा लायलपुर पाकिस्तान विखे होया लायलपुर पाकिस्तान विखे नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली टू स्टूडेंट ही बेटा सिर्फ दलजीत है ना अपर्ण बाकी बच्चे हैंड रेज करो पुत्र मितांश अनम्यूट योरसेल्फ वंशिका ने क्लास नहीं लगाई दिव्यांशी वंशिका
वंशिका हाँ जी प्रणय बेटा प्रणय प्रणय अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम सिक्स्थ क्वेश्चन रिपीट कर दो जो पहले कराए थे मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बेटा ओके ओके करती हूँ बाद में, ठीक है मैंने रेज कर दिया बाद में करती हूँ बेटा। 12वां क्वेश्चन था आंसर बेटा, नाना नूरपुरी ने किस चीज की ज्यादा रचना की थी, किस चीज की ज्यादा रचना की थी धैरन बेटा धैरन। मैम लोक काव्य रचना दी। लोक काव्य रचना दी। अच्छा धैरन सिक्स्थ क्वेश्चन की सी बेटा। मैम मिट्टी उत्ते ट्रक के हीरिया नु दी चमक लुकाउन दी गल किसने कीती सी, किसने होनी ने, ठीक है सुन लो दोबारा, इट उत्ते इट रख के हीरिया वर्गी चमक लगाउन दी गल किसने कीती सी, होनी ने, होनी मतलब जो घटना वापर के जांदी है मोर। गुड दिव्या अनम्यूट योरसेल्फ, दिव्या नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या यस मैम। नन्ना नूरपुरी दे केड़े गीत ज्यादा मशहूर हुए हैं, हाँ जी बेटा केड़े केड़े गीत लिखवाए से ना बेटा, केड़े केड़े गीत सी दिव्या। मैम आनंद लाल नूरपुर दे उड़ जा पोले पंछियां वे, हाँ चुम चुम रखो नी कलगी जुझार दी, कानू वे पिपला खड़ खड़ दे आदि गीत मशहूर होए हैं। हाँ वेरी गुड, कि एमसीक्यूज दे ऑप्शंस आने हैं ये, कानू वे पिपला खड़खड़ लाइया, चुम चुम रखो नी कलगी जुझार दी, उड़ जा पोले पंछियां वे, वेरी गुड। नेक्स्ट है पिंडिया शब्द का अर्थ लिखो, पिंडिया जसलीन, जसलीन बेटा। यस मैम, पिंडिया शब्द का अर्थ शरीरा है। हाँ शरीर शरीर कला शरीरा नहीं शरीर लिखना बस। नेक्स्ट है छोटे साहबजादिया ने किस नू मिलन दी गल कीती सी, वो किनू मिलना चाहते सी छोटे साहबजादे जो यस मितांश बेटा, मितांश किन्नु मिलना चाहते सी बेटा, प्रणय अपने पिताजी नू, हाँ किन्नु मिलना चाहते सी अपने पिताजी नू, वेरी गुड। नेक्स्ट है माता गुजी ने की वरना सी, माता गुजी जी ने की वरना सी, जायती बेटा जायती। माता गुजरी जी ने लोहड़ी वंडनी सी। हाँ वेरी गुड, की वंडना सी अपने बच्चियां दी छोटे साहबजादियां दी लोहड़ी वंडनी सी। क्लियर है बेटा क्वेश्चन 16। इस तो इलावा भी बेटा कविता विचो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क्स दे विच, ओके क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो देन प्लीज प्लीज ये जो है हाँ। क्या जायती केंद्रीय भाव माता गुजरी जी अद्धी राती छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दा दुख मना रहे हन, ओ कोड़ियां चंदा दी कोड़ियां गा रहे हन, उन्हां नूं अपनी अखां दे सामने चानना नजर नहीं आ रहा, उन्हां दी हीरियां दी चोरी सरहंद दी कंध पिछे लुक गई है, उन्हां नूं बहुत दुख हो रहा है कि उन्हां दे छोटे पुत्र उन्हां कोल नहीं हन, छोटे साहबजादे की शहीदी तो पहला ही माता गुजरी जी नू एक रात पहला सपना आ गया सी कि उन्हां दी शहीदी होकर ही रहनी है, होनी नू कोई भी टाल नहीं सकता, उन्होंने कुट के अपने छोटे साहबजादे नू गले ला लिया, उन्होंने कलगी सजा के उन्होंने सोना जिहा तैयार करके शहीदी वास्ते भेज दिता, कहा कि हुन उन्होंने अपने हीरियां दी लोहड़ी वंडनी है, पर फिर भी उन्होंने नैना नू नींद नहीं आ रही जद तक वो अपने छोटे साहबजादिया नू वेख नहीं लेंदे। वेरी गुड बेटा, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट बेटा केंद्रीय भाव सुनो बेटा,
ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜੀ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜੀ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਦੀ ਭਾਵ ਵਨ ਮਾਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਲੇਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੀ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਧੈਰਿਨ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਰਵੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਦਿਵਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਯੈਸ ਦਿਵਿਆ ਯੈਸ ਮੈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੀਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਦਲਜੀਤ ਬੇਟਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਅਦਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਬੇਟਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਬੇਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਮੈਮ ਬੜਤੀ ਹੋਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਸ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਦਲਜੀਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਮੀਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਮੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦਿਵਿਆ ਦਿਵਿਆ ਘਟਦੀਆਂ ਸਰੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਬਾਏ ਬੇਟਾ